ये हम पैर के मोजा बना रहे हैं, ये तो हमने ये सिलाई में 86 फंदे डाले हैं, ये 86 फंदे डाले हैं, और ये किनारे पे एक एक फंदा बढ़ाया है, 7 इधर 7 इधर बढ़ाए हैं, और 100 फंदा पूरे कर ले, 100 फंदा करो एक बार, 7 लाइन बनी है ये, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बुन के, और फिर ये 3 लाइन ऐसे बुनी है जी, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ये ऐसे बुनी है बिना फंदा घटा बढ़ाए, ये यहाँ तक हम बुन लेंगे, फिर डिजाइन बनाएंगे आगे। ये हमने ये बना ले, 7 गांठ बनाई है, 1 1 2 3 4 5 6 7, और फिर एक फिरोजी, एक सफ़ेद फिरोजी, फिर ये नीली, इधर हमने 7 फंदा बढ़ा दे, इधर भी 7 फंदा बढ़ा दे। अब ये हम डिजाइन बनाएंगे, ये इधर इधर इधर, तो ये हमारी डिजाइन है, ऐसी हम डिजाइन बनाएंगे, ये तो हम उल्टी सिलाई करेंगे पहले, तो उल्टी सिलाई में हम किनारे पे ये 30 फंदा हमारे किनारे पे हैं, तो हम जा रंग के बुनेंगे 30 फंदा, ये अब ये 30 फंदा हमने ये नीले रंग से बुन दे। अब ये हम आसमानी कलर लगाएंगे, आसमानी कलर लगा के हम 40 फंदा बुनेंगे आसमानी रंग से, ये 1 2 3, अब ये हमने 30 फंदा इधर नीले रंग से, 40 ये आसमानी रंग से, और 30 इधर नीले रंग से बना ले, 100 फंदा है। अब हम डिजाइन बनाएंगे, तो ये पीछे वाला फंदा पहले बुन लेंगे, आगे वाला बाद में बुनेंगे, ये फिर अब इधर पीछे से नीचे से बुनेंगे फंदा, ये नीचे से, ये फिर ऊपर से, ये फिर 2 फंदा उल्टे बुनेंगे, और फिर उल्टी सिलाई पूरी हम उल्टी बुन देंगे, यूँ और फिर सीधी सिलाई हमारी आ गई है। तो हम ये पहले नीचे से फंदा बनाएंगे ये वाला ऐसे, ये और फिर ये वाला बनाएंगे, ये ऐसे इधर, ये पहले ऊपर वाला पीछे वाला, ये ऊपर से, और ये फंदा बाद में, ये हमारी ऐसे डिजाइन आ जाएगी, और ये 2 का 1 कर देंगे, और फिर पूरी सिलाई उल्टी करेंगे, ये फिर नई डिजाइन बनाएंगे, ये बन गई डिजाइन। अब फिर ये दूसरे नंबर वाला फंदा ऊपर से लेंगे, ये इधर से, यूँ ये फिर बाद में पहले वाला बाद में, और फिर ये नीचे से किने, ये नीचे से, और ये वाला फंदा फिर ऊपर से बनाएंगे ऐसे, ये डिजाइन हमारी ऐसे बनेगी, और फिर 2 फंदा उल्टे बुनेंगे, फिर
फिर डिजाइन बनाएंगे। तो हमने ये डिजाइन बनाई है ये, और ये हमारे उल्टे फंदा हैं। तो हमने यहाँ ये तीन तीन सीधे एक दो उल्टे बनाए हैं, तीन सीधे दो उल्टे, ये तीन सीधे दो उल्टे। तो यहाँ पे हमने चौथी सिलाई पे एक फंदा घटा दिया, फिर चौथी सिलाई पे, फिर एक चौथी पे, तो यहाँ 27 फंदा रह जाएंगे इधर। और जब एक दो तीन, जब तीन लाइन है जाएंगी, दो लाइन पूरी और जे दो लाइन जे पूरी, फिर बाकी बाद हम इन तीन को एक दो कर देंगे। और फिर जब सफ़ेद ऊन लगाएंगे तो फिर इन दो को एक करेंगे उल्टे फंदा का, और फिर जब फिरोजी ऊन लगाएंगे तो इन दो को एक कर देंगे सफ़ेद का, ये। तो यहाँ हमारे फंदा ये घट जाएंगे, और जो ऊपर सब ये तीन का एक बन जाएगा, यहाँ दो का एक बन जाएगा, ऊपर जाके ये सीधे एक एक फंदा रहेगा, एक 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 ये एक, ये एक जाएगा ऊपर तक। और फिर हम ये बुन के, कितनी सिलाई हैं, 4, 8, 12 और 4, 16 और 4, 20, 20 सिलाई बुनेंगे, 20 सिलाई और 2, 22। और उसके बाद हम इन फंदा ना घटा देंगे, ये एक उल्टा एक सीधा बुनते। अब ये हमने एक ये 4 सिलाई नीले रंग की बुनी है। अब हम ये यहाँ फंदा घटाएंगे, तो ये डिजाइन बना रहे हैं किनारे पे, ये ऐसे, ये पीछे से फंदा और फिर आगे वाला, अब हम ये दो फंदा का एक कर देंगे यहाँ उल्टा करके, यहाँ एक, ठीक है। अब हम सफ़ेद रंग लगाएंगे ये, ये तीन फंदा सीधे हैं, दो उल्टे हैं, ये
ये नीले रंग से बुनना है। तो अब फिर इधर दो दो का एक कर देंगे, ये दो का एक कर दें, और फिर डिजाइन बना देंगे इधर भी। और चार सिलाई बाद फिर दो का ये, फिर यहाँ ये दो का एक करा, फिर यहाँ पे ये सफ़ेद ख़त्म होगी तब कर देंगे, फिर यहाँ कर देंगे। और यहाँ ये तीन का दो, फिर यहाँ दो का एक, फिर ये दो तीन को एक, ऐसा कर देंगे। अब ये चार सफ़ेद सिलाई कर दी हमने, और यहाँ पे फिर किनारे पे एक फंदा यहाँ घटाएंगे। ये डिजाइन बना रहे हैं। ये एक फंदा ये है, एक ये है, अब ये दो का एक कर देंगे यहाँ। ये ऐसे इधर घटा देंगे एक फंदा, फिर यहाँ ये दो का एक करा, फिर यहाँ पे ये सफ़ेद ख़त्म होगी तब कर देंगे, फिर यहाँ कर देंगे। और यहाँ ये तीन का दो, फिर यहाँ दो का एक, फिर ये दो तीन को एक, ऐसा कर देंगे। अब ये चार सिलाई सफ़ेद से बना ली हैं, ये चार सिलाई। अब ये जो सफ़ेद के दो फंदा हैं ये सीधे, इन्हें एक कर देंगे और उल्टे को ऐसे ही रहने देंगे, ये उल्टा बनाएंगे। तो अब हम ये आसमानी रंग लगाएंगे, और आसमानी रंग लगा के ये ये दो का एक कर देंगे, ये और फिर एक उल्टा, और फिर ये दो का एक, या और फिर एक ये उल्टा, ये ये चार सिलाई आसमानी रंग से हम पूरी बुन लेंगे। अब ये आसमानी की चार लाइन बना ली और दो नीले की। अब ये आसमानी से एक उल्टा एक सीधा बुनेंगे, ये उल्टा, पूरी सिलाई ऐसे बुन देंगे। अब इधर ये उल्टा फंदा है, उल्टा बन के
और ये सीधा बनाएंगे और ये यूँ उतार देंगे फंदा ऐसे। अब फिर उल्टा बनाएंगे ये और फिर सीधा ये पीछे वाले फंदा को ये निकाल देंगे ये ऐसे किनारे आ जाएगी। अब ये पूरा करने के बाद में जब हम जाए सिलेंगे तो हमारी एक ये सिलाई करेंगे ये वाली, तो ये किनारी आ जाएगी पैर में चुभेगी, तो हम यहाँ से ये उधेड़ देंगे ऐसे उधेड़ेंगे ये और उधेड़ गए ये उधेड़ रहे और उधेड़ने के बाद सिलाई में भर ले, तो दोनों नुक वाली सिलाई में भर लेंगे आधे फंदा इधर और आधे इधर सिलाई में ये सिलाई में भर ले। अब हम इन्हें सिलाएंगे ये उल्टी तरफ से सिलाएंगे हम ये पहले वाले टांके में से निकालेंगे धागा और फिर सामने वाली सिलाई में ये वाले दूसरे हिस्सा में से ये निकालेंगे यहाँ। अब जो पहले धागा बना जो पहले बुंदा है वो और सिलाई वाला ये दो फंदा एक संग बनाएंगे ये इधर से यूँ ये वाला फंदा और ये इधर से डालेंगे यूँ इधर से यूँ और इधर से ऊपर को लेंगे सुई ऊपर को जाएगी और इधर यहाँ डालेंगे और ये यहाँ बाहर निकाल देंगे इधर ये
ये हमारी ऐसी सिलाई आ जाएगी जो इधर से ऐसी दिखेगी। ये सिलाई अब पूरी कर दी है, ये यहाँ से अंदर से और ये सीधी तरफ ऐसे, ये चुभेगा भी नहीं कहीं। अब हम ये साइड वाली सिलाई करेंगे यहाँ से, यहाँ ये ये सीधी तरफ से कर रहे हैं, ऐसे बस। ये धागे को पीछे बंद बंद कर देंगे ये। और ये सफेद रंग की ऊन लेके हम यहाँ से एक किनारी बना देंगे ऐसे, यूँ बंद फंदा बनाएंगे ये, फिर यहाँ से ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे बनाएंगे ये। ये हमने पूरा बना दिया, अब ये यूं बंद करके बंद कर देंगे यहाँ ये। ये हमारा जूता तैयार है ऐसे ये। ये कोई भी यहाँ पे सिलाई नहीं है, ऐसे ही सिलाई सुई से करी है ना, तो मोटी नहीं है यहाँ।